गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है रिपब्लिक डे, तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और आज हम सब काफ़ी लेट उठे हैं, और छवि तो इतना लेट उठी है कि जस्ट अभी बाथरूम में गई है नहाने के लिए, और मम्मी तो काफ़ी पहले उठ गई थी। मम्मी ने अपना नाश्ते का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। अभी दिखाता हूँ मम्मी क्या बना रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर सैंडविच बनाए जा रहे हैं, और ये इसके अंदर स्टफिंग है जो कि किस चीज से बनाई हमने आपने आलू मटर से बनाई गई है। और यहाँ पर ये देखिए चीज, और ये मक्खन, अमूल मक्खन डाला जा रहा है इसके ऊपर, और ये रेडी है। और इसको अगर और ज्यादा टेस्टी बनाना है तो मैं इसके अंदर एक चीज डाल के दिखाता हूँ। तो मैं ये पहले से डाल चुकी हूँ जो तू डालने के लिए कह रहा है। तो मैंने ये ग्रीन चिली भी सॉस डाल दिया, ग्रीन चिली सॉस, और ये टमाटो केचप दोनों डाल दिया है। अब ये चटनी लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है इनसे। तो मम्मी यहाँ पर गेहूँ साफ कर रही हैं, और छवि यहाँ पर गेम खेल रही है रजत के साथ। दोनों यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं ऊपर, और ये देखिए, और यहाँ पर कपड़े भी धुल रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड वर्क हो रहे हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, पत्ते झाड़ दिए अम्मी, तुलसी झाड़ दी। बोल और मैं जा रहा हूँ बुलंदशहर। और मैं एक चीज और ट्रिक बता देती हूँ, आ जाओ। हाँ। जो आपके गेहूं में वो हो जाए सुरसुरी, तो आप ये झंडू की बहुत अच्छी गोली आती है। मेरी गेहूं में बहुत सुरसुरी हो गई थी, मैंने ये डाल दी, ज्यादा नहीं, 3-4 गोलियां ही डाली है मैंने। इसमें ऐसी गोलियां निकलती हैं, और ये ज्यादा मतलब नुकसान भी नहीं करती है, मतलब ज्यादा हैवी नहीं होती है। तो इनको डाल सकते हैं चावलों में, दाल में, सब में डाल कर रख सकते हैं। अच्छी ट्रिक है एक। तो मैं चलता हूँ बुलंदशहर, और एक ट्रिक दिखाएगा। ये जो ऐसे है ना, इसको हल्का सा ले। तो ये क्या लगाओ मुझे पता, ये पता ना कौन सा है, ये पता है। ये है बुलंदशहर का सरकारी अस्पताल, और ये अंसारी रोड, ये अंसारी रोड पर है हम बुलंदशहर। तो अब हम पहुंच गए हैं बुलंदशहर, और यहाँ पे हमने खाए हैं बुलंदशहर के फेमस छोले कुलचे, और थोड़े बहुत घर के लिए भी ले लिए हैं, और निकल रहे हैं सीधा घर पे अभी। बालक क्या कर रहे हैं? एक सोला भैया, कौन है ये? तो बात नमस्ते कर ली, नमस्ते करो, पैर छो भैया, चाय पी लो। ये जो भैया रस खाइए।
खिला 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 देखो खा के दिखा दो ऐसे देखो हवा आ रहा है हवा तो आ रही खा के दिखा दो खा ले मैं हाँ खाओ वो तो यम्मी बोलते यम्मी यम्मी तो देखो दोस्तों अब हम आ गए हैं गांव में और गांव का बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर और ये देखो ये है गांव की हरियाली। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ गांव में जो कि हमारी मम्मी जी का गांव है और अभी हम आए हैं कुछ यहाँ से सामान लेने के लिए और सामान लेके हम सीधा निकलेंगे घर। और गांव का जो होता है नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा अभी सामने आपको दिखाता हूँ नज़ारा। ये देखो ये शाम का समय है और काफ़ी खूबसूरत ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गांव का और चारों तरफ हरियाली है काफ़ी पीसफुल है। यहाँ पर आप पीछे आपको दिखाऊं यहाँ पर सरसों के खेत हैं पीछे और फूल बहुत सारे आए हुए हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको और ये हैं ये बनाए जाते हैं इसके अंदर भूस रखा जाता है या फिर उपले होते हैं जो वो रखे जाते हैं देखिए। और यहाँ से ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा ये सारे सरसों के खेत हैं और यहाँ पर फूल आ गए हैं तो इस वजह से काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं।